अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छूलो आसमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कॉल्स करें और आप बताएं कि कल का दिन आपका कैसा गुजरा, क्या क्या किया आप लोगों ने। एनीवेज आज जो है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो होने वाला है। आज सबसे पहले तो आपको पता है हमारे साथ डॉक्टर नाजिया होंगी। हमारा सेगमेंट होगा ख्याल रखना। ख्याल रखना में हमारे साथ डॉक्टर नाजिया होंगे और डॉक्टर नाजिया से हम पूछेंगे आज जो मेन इशू है, जो बहुत ज्यादा फेसबुक पे भी सब पूछ रहे हैं, बार बार मैसेजेस करें और इनबॉक्स भी करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैन पेज पे कुछ सवालात नहीं होते, वो मेरे आमना मलिक वाले फेसबुक पे इनबॉक्स हुए होते हैं। तो वो मैं जो हूँ बताना चाह रही थी कि आज जो हमने करना था शो, और वैसे भी काफी लोगों ने ये मसला जो है करने डिस्कस करने के लिए कहा है कि गर्मियां आ गई है तो बच्चों के सरों में जुएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, डैंड्रफ बहुत हो जाता है। डैंड्रफ होने से, और एक अजीब सी चीज होती है कि गर्मियों में आपके बालों में कुछ ऐसा ऑयल सा आ जाता है कि वो आपके मुंह पे आने लग जाता है। आप मेकअप करें, आप कुछ भी करें, आपकी स्किन पे वो चीज़ आने लग जाती है, आपके बालों के थ्रू आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगने लग जाते हैं। आप ब्लो ड्राई भी करें, देखें जैसे मैंने ब्लो ड्राई भी किया हुआ है, लेकिन हल्की सी वो आ जाती है कि ऑयली सी लगने लग जाते हैं बाल आपके। तो इससे हम बात करेंगे, जुओं पे बात करेंगे, बच्चों की जुएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चों को कैसे आप जुओं से निजात पा सकते हैं, और घरेलू टोटके भी काफ़ी होते हैं बच्चों की जुएं दूर करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि अदरक का पानी डाल दो अगर सर के अंदर, पीस के अदरक का जो पानी निकलता है उसको डाल दो, जड़ों में लगा दो तो जुएं मर जाती हैं उससे, या जुएं चली जाती हैं। या फिर कभी कभी होता है कि जी सरसों के तेल में आपने डिटॉल डाल दी तो उससे आपके बच्चे के सर की जुएं और लीखें निकल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता ऐसा। चाहे जितने भी आप ऐसे शैम्पूज भी आ गए हैं जो जुएं मारते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शैम्पूज जो हैं वो कुछ उनमें ये भी होता है, एक आध होगा कोई अच्छा ब्रांडेड शैम्पू जो नहीं उससे जुएं आ रही होती, लेकिन कुछ ऐसे चलाकियों वाले शैम्पू हैं कि सॉरी, ऐसे कोई चलाक कंपनीज हैं कि वो ऐसा शैम्पू बनाती हैं कि 10 दिन बाद फिर जुएं आ जाती हैं। या तो उन शैम्पू में कुछ होता है कि 10 दिन के बाद जुएं दोबारा उसकी खुशबू से वापस आ जाती हैं, फिर आप वो शैम्पू खरीदो तो जुएं नहीं मरती। तो आज डॉक्टर नाजिया से पूछेंगे कि ऐसे कौन से मेडिकेटेड शैम्पूज हैं जिनसे आपकी जुएं हट सकती हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस आप अपने सर में डालें, बच्चों के सर में डालें कि जुएं जाएं। खासतौर पे एक और चीज भी आज डिस्कस करेंगे कि माएं अक्सर क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जुएं तो निकाल लेती हैं लेकिन जो निट्स होती हैं, जो लीखें होती हैं, वो नहीं निकाल पाती हैं, और फिर वो रहती हैं। और मैंने तो बस सफर ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं जिनके इतने लंबे लंबे बाल ब्लो ड्राई हुए हुए, हर जगह आई हुई है, फैशन किए हुए, और अंदर जुएं तैर रही हैं। आई स्वेयर मैंने इतने लोगों को देखा है, इतनी लड़कियों को देखा है, हाई टीज में आई होती हैं, कमेटी में आई होती हैं, और अक्सर उनके सर में जुएं चल रही होती हैं, जुएं तैर रही होती हैं, लीखों वाले बाल नजर आ रहे होते हैं, और इतना अच्छा सा ब्लो ड्राई करा के, कर्ली ब्लो ड्राई या बाउंसी ब्लो ड्राई करा के बैठी होती हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि साथ वाले आपकी जुएं या लीखें देख रहे हैं। तो इस पे हम मजीद मजे मजे की बातें करेंगे। आप लोग भी कॉल्स करें, और प्लीज मैं चाहती हूँ कि नए लोग कॉल्स करें। कल मैं डॉर्मेंट मॉल गई, मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने बड़ी मुझसे बैठ के खड़ी होकर देर बातें की और कहा कि आपका शो बड़ा अच्छा है, ये है वो है, अपना बार बार कह रही थी अपना सेट चेंज करें, ये करें आप और अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो यही शिकायत करनी थी कि जब मैं कॉल मिलाती हूँ तो मिलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनकी तो कॉल मिल जाती है, तो लोग कोशिश करें तो ज़रूर कॉल मिलेगी, और बहुत अच्छा लगता है जब नए लोग कॉल करते हैं और हमसे बात करते हैं। मॉर्निंग शो पे कॉल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉल करें तो आपको एक हचकिचाहट होती है कि क्या आप मॉर्निंग शो से फ़ोन करें। जब मैं नहीं थी मॉर्निंग होस्ट तो मुझे भी लगता था क्या आप कॉल करें और क्या बातें करें और ये वो, लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक होते हैं कि ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, और कोई चीज़ आप देखना चाहें तो हमें बता सकते हैं। एक हमारे पास पैकेज है, ग्लोरिया जीन्स आपने देखा है, सिंधी मुस्लिम पे भी है, और एक और जगह लॉन्च हुआ है जो कि डॉल्मन मॉल में ही लॉन्च हुआ है, बड़ी अच्छी सी उसकी लॉन्च थी, वो हमने उसका एक पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं फिर आप। ये
वंडरफुल इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो इसीलिए इंटरनेशनल क्वालिटी को बैच कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जरूरत इस बात की थी, हमेशा से थी कि हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड जो है यहाँ पे आए। दैट ऑल्सो शोज द ट्रस्ट। Very happy to see international franchise coming to Karachi. ये एक ताज़ा हवा का झोंका है और ग्लोरिया जीन्स की इस लॉन्च पे मैं तमाम ग्लोरिया जीन्स की मैनेजमेंट को और जिनने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हूँ फरहान अली आगा और हम लोग इस वक्त ग्लोरिया जीन्स कॉफी के आउटलेट पे आए हैं और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है आज। आज ग्लोरिया जीन्स का सेकेंड आउटलेट कराची में लॉन्च हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग है। आई विश फॉर ग्रेट सक्सेस हियर, वेलकम ऑल ऑफ द पीपल इन कराची कि यहाँ पे आए और इसको जरूर ट्राई करें। आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। वेलकम, आपने देखा ग्लोरिया जीन्स का ये पैकेज और आई थिंक कॉफी शॉप्स और इतने अच्छे अच्छे कैफेज अब बन गए हैं कि लोगों को इतना मजा आता है। फिर डॉल्मन मॉल मैंने कर ली, जैसे कहा था कि बहुत ही अट्रैक्टिव मॉल है बच्चों के लिए, अभी तक वहाँ बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं खुला जो सिंधबाद खुलने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन ग्लोरिया जीन्स या बटलर्स या ऐसे छोटे छोटे कैफेज और कॉफी शॉप्स खुलते हैं तो आप अच्छा टाइम गुजर जाता है आपका और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें जरूर दें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका फीडबैक आता है तो हमें पता चलता रहता है कि हमारा शो कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच जो अभी तक हमें फीडबैक दे रहे हैं ईमेल्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इनबॉक्स करते हैं मैसेजेस, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना फीडबैक के लिए मैं बता देती हूँ आपको, हमें ईमेल कर सकते हैं chuloaswan@news1tv.tv पे और मैसेज आसान www.facebook.com/chuloaswan इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बतानी थी, डॉक्टर नाजिया तो होंगी लेकिन आज हमारी सबसे मजे की आंटी जो आती है हमारे पास मिसेस खान, वो होंगी लड़कियों के रिश्तों की प्रॉब्लम, लड़कियों की रिश्तों के बाद की प्रॉब्लम, शादी के बाद अपने आप को कैसे रखना है, ये सब बातें करेंगे मिसेस खान से। और आप हमारे साथ रहिएगा, अगर आप मिसेस खान से कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ भी, तो आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।